नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार दहिया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में वर्क स्टडी में टाइम स्टडी का, जो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था टाइम स्टडी क्या होता है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसी में अपनी टाइम स्टडी की जो टेक्निक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो टाइम स्टडी की टेक्निक है, जो स्टॉप वॉच टेक्निक है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो स्टॉप वॉच टेक्निक में दो तरह के मेथड जनरली काम में लेते हैं, एक तो फ्लाईबैक स्नैप सिस्टम और एक है कंटिन्यूस एक्यूमुलेटिव मेथड। तो जैसे कि नाम से ही डिनोट हुआ है, फ्लाईबैक सिस्टम में क्या होता है कि जैसे हम कोई भी ऑब्जर्वेशन जब लेते हैं तो हर एलिमेंट का जब शुरू होता है तो उस समय जीरो पे उसको स्टॉप वॉच को शुरू करते हैं, और जब वो एलिमेंट ख़त्म होता है तो वहाँ पे हम स्टॉप वॉच को की रीडिंग लेके उसको वापस उसकी नोब दबा के उसको फ्लाईबैक जीरो पे ले आते हैं। फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो शुरू होगा उसकी वापस इस तरह से लेंगे, वो कंप्लीट होगा तो उसकी ऑब्जर्वेशन लेके उसको वापस फ्लाईबैक पे वो जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से हर एलिमेंट जो भी वर्क का एलिमेंट है उसको हम एक एक करके इस तरह से उसके टाइम को मेजर करेंगे। जबकि कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन में क्या है, हम कंटिन्यूस वो चलता जाता है फ्लाईबैक पे, वो पर बार बार जीरो पे नहीं लेते हैं। जैसे हमने जैसे फर्स्ट एलिमेंट का लिया तो उसका जो टाइम होगा वो नोट कर लेंगे, उसके बाद वो कंटिन्यूस आगे चलती रहेगी। नेक्स्ट जो एलिमेंट जब खत्म होगा तो उसका टाइम नोट कर लेंगे, फिर हम जो उनका जो एलिमेंट का जो कंप्लीट होने का टाइम है वो सब्ट्रैक्शन से निकाल लेंगे, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से उनमें कितना कितना टाइम लगा वो इस तरह से निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम टाइम स्टडी इक्विपमेंट से दो तरीके से हम इसको ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। टाइम स्टडी इक्विपमेंट में हमारे को इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, तो इक्विपमेंट जो जो चाहिए वो है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच चाहिए, एक तो एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा कलेक्टर और या कंप्यूटर चाहिए, ऑब्जर्वेशन बोर्ड चाहिए हमारे को, ऑब्जर्वेशन शीट चाहिए, और उसके साथ पेंसिल, पेन, इरेजर, कैलकुलेटर, ये सारी इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है और इससे हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जब इस तरह से टाइम हम ऑब्जर्व कर लेंगे और सारे एलिमेंट्स को करके हम उसका टाइम, टोटल टाइम हम उस वर्क को करने में निकाल लेंगे, वो हमारा कहलाता है ऑब्जर्व टाइम, जो हमने ऑब्जर्व किया एक्चुअल में उस पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट होने में जो टाइम निकाला वो उसको हम ऑब्जर्व टाइम बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि परफॉर्मेंस रेटिंग। अब क्योंकि हमने जो भी ऑब्जर्वेशन ली है वो किसी वर्कर के ऊपर ली है, अब वो वर्कर की पेस स्लो भी हो सकती है, वर्कर की पेस फास्ट भी हो सकती है, तो हमारे को एवरेज वर्कर की परफॉर्मेंस चाहिए। तो हमारे को जो ऑब्जर्व टाइम है उसको हमारे को एक एवरेज वर्कर की परफॉर्मेंस में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि परफॉर्मेंस रेटिंग काम में लेते हैं। परफॉर्मेंस रेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग एक्चुअल पेस ऑफ वर्किंग ऑफ एन ऑपरेटर बाय कंपेयरिंग विद द मेंटल पिक्चर ऑफ पेस ऑफ वर्कर। अब जैसे कोई वर्कर अगर स्लो काम कर रहा है तो हम उसको जो ऑब्जर्व टाइम को एक्चुअल में फिर क्या करना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा, और इसी तरह से अगर कोई फास्ट काम कर रहा है तो उसको ऑब्जर्व टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम एक एवरेज वर्कर, स्किल्ड वर्कर, एवरेज स्किल्ड वर्कर जिस तरह से काम करता है वो टाइम हम निकाल पाए। तो इसको जो रेटिंग को निकालने के कुछ तरीके हैं, उसमें आता है एक तो आता है परफॉर्मेंस रेटिंग मेथड, जिसमें कि वर्कर की परफॉर्मेंस के बेस में कि उसको कितनी स्किल्स है। कई बार क्या वर्कर मतलब बिल्कुल कूलली काम करता है तो आपको लगता है कि वो मतलब स्लो कर रहा है, लेकिन जबकि वो पूरी सही परफॉर्मेंस, तो उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है उसके बेस पर करते हैं। कई बार स्पीड रेटिंग करते हैं कि कितनी स्पीड से वो काम कर रहा है उससे निकालते हैं। एक होता है वेस्टिंग हाउस मेथड, इसमें चार तरह के इसके फैक्टर्स होते हैं, जिसमें स्किल भी आ गई, स्पीड भी आ गई, उसकी कंसिस्टेंसी आ गई, कई सारे फैक्टर्स उनको कंस्टिट्यूट करके हम उसकी रेटिंग को निकालते हैं। फिर आता है सिंथेटिक रेटिंग। सिंथेटिक रेटिंग में क्या होता है कि हमारे को हर एलिमेंट को करने में जो स्टैंडर्ड कितनी रेटिंग उसकी होनी चाहिए टाइमिंग की, उसके हिसाब से हम निकालते थे, स्टैंडर्ड डाटा से हमारे को अवेलेबल हो जाती। और एक है ऑब्जेक्टिव रेटिंग के, हम मतलब जो वर्क जो हो रहा है उस वर्कर वर्क में किस तरह से उसकी कितना जल्दी कंप्लीट हो रहा है, लेट हो रहा है, उसके बेस पे, ऑब्जेक्ट के बेस पे हम उसकी रेटिंग को निकालते हैं। तो इस तरह से ये रेटिंग निकालते हैं। अब इस रेटिंग का यूज़ क्या है, ये रेटिंग हम क्या एवरेज पर्सन की रेटिंग को हम देते हैं 100, तो 100 देते हैं। तो अब वो क्या, कोई वर्कर अगर स्लो काम कर रहा है तो वो 100 से कम रेटिंग हो जाएगी, अगर कोई वर्कर 100 फास्ट काम कर रहा है तो 100 से ज़्यादा हो जाएगी। तो उस तरह से हम जो इफ द पर्सन इज अपेरेंटली परफॉर्मिंग विद लेस इफेक्टिव स्पीड, ये लेस हो जाएगी, और ज़्यादा होगी तो ज़्यादा हो जाएगी, वही चीज़ है। तो हम जब इसका टाइम जो निकालेंगे, बेसिकली वो निकालेंगे जो ऑब्जर्व टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेटिंग। अब जैसे कि आपने ऑब्जर्व टाइम निकाला और अगर रेटिंग जो है वो अगर
पर वर्कर स्लो कर रहा है तो कम आ जाएगी, तो ऑब्जर्व टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टाइम कम हो जाएगा। अगर वो फास्ट काम कर रहा है तो फास्ट कर रहा है तो हम ऑब्जर्व टाइम से फास्ट ही उसकी टाइम कराएंगे तो वो रेटिंग बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम रेटिंग से हम उसको निकाल सकते हैं। तो ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है, तो रेटिंग से ऑब्जर्व टाइम मल्टीप्लाइड बाई रेटिंग अपॉन स्टैंडर्ड रेटिंग। स्टैंडर्ड रेटिंग हमारी 100 होती है, तो इस तरह से उससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, बेसिक टाइम आएगा। तो इस तरह से हम पहले बेसिक टाइम निकाल लेंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन द रेटिंग असाइन फॉर द वर्कर द बेसिक टाइम कैन इधर बी लेस और ग्रेटर देन द ऑब्जर्व टाइम। तो ये डिपेंड करता है वर्कर की रेटिंग पे कि वर्कर अगर ये स्लो है तो ऑब्जर्व टाइम मतलब बढ़ जाएगा, क्योंकि अब जैसे और वर्कर फास्ट है तो ऑब्जर्व टाइम जो है वो कम हो जाएगा। इस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो फिर आता है इसके बाद हमारे को क्या है कि जो आपने बेसिक टाइम निकाला वही कंप्लीट उससे हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, उसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो वर्कर के साथ होते हैं, उनको हम अलाउंस में लेते हैं। अब अलाउंस में ये रहते हैं कि एक तो उसको फटीग हो सकती है कि जब भी कंटिन्यूस काम करता है तो एक इफिशियंसी पर काम नहीं कर पाएगा, तो उसकी जो फटीग अलाउंस हमारे को देना पड़ेगा। इसी तरह से कुछ पर्सनल अलाउंस होते हैं, पर्सनल अलाउंस उसकी पर्सनल नीड्स होती है, वो अपने टॉयलेट वगैरह जाएगा, कहीं खाना भी खाएगा या कहीं चाय पिएगा, तो इस तरह के जो पर्सनल अलाउंस है वो देना पड़ेंगे। कंटीजेंसी अलाउंस कई बार क्या एक पर्टिकुलर वर्क पे हमारे को कई बार उसमें वेरिएशन आ जाता है तो उस पर डिपेंड करता है। एक बार कई बार होता है वेरिएबल फटीग, मतलब ये फटीग जो है डिपेंड करती है कई बार वर्क की एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करती है, कितनी डिफिकल्टी ऑफ वर्क है उस पर भी डिपेंड करती है, तो उस तरह की जो फटीग है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। फिर रिलैक्सेशन अलाउंस, जब वर्कर काम करेगा तो रिलैक्स होने में कितना टाइम लगेगा वो। कंटीजेंसी अलाउंस, ये आपको बता ही दिया, कंटीजेंसी अलाउंस जो है कि मतलब कोई एक्स्ट्रा इस तरह से कोई वर्कर हो गया है या कोई जैसे कि इंक्रीजिंग की कहीं दूसरा टूल सेटअप किया या तो इस तरह के जो वर्क हैं उनको हम कंटीजेंसी अलाउंस में लेते हैं। ठीक है, कुछ पॉलिसी अलाउंस भी होते हैं कि जैसे कोई पर्टिकुलर यूनियंस की तरफ से ये कि वर्कर को इतना टाइम एक्स्ट्रा होना चाहिए तो वो अलाउंस वगैरह देते हैं। तो इस तरह से हम इसको टोटल अलाउंस निकालते हैं और टोटल अलाउंस से हम स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं। स्टैंडर्ड टाइम निकाल इसके लिए ये स्टैंडर्ड टाइम जो होता है बेसिकली बेसिक टाइम प्लस रिलैक्सेशन अलाउंस और एनी अलाउंस जो भी है सारे अलाउंस सारे जोड़ के हम इस तरह से जो आएगा वो टोटल स्टैंडर्ड टाइम आएगा। तो ये स्टैंडर्ड टाइम जो है वो उस वर्क पीस को कंप्लीट करने के लिए हम टोटल टाइम इन विच जो शुड बी कंप्लीटेड इन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ये हमारा टाइम होगा, और ये टाइम हमारा जो है स्टैंडर्ड टाइम निकालेंगे और उससे हम आगे की सारी जो कैलकुलेशन देखेंगे कि हाँ वर्कर को किस तरह से किस बेस पे काम करना चाहिए, स्लो हो रहा है उसको वेज या इंसेंटिव जो भी डिसाइड कर लें वो इसके बेस पे डिसाइड कर लें। अलाउंस फॉर अनऑक्यूपाइड टाइम एंड इंटरफेरेंस मे नॉट बी फ्रिक्वेंटली इंक्लूडेड इन स्टैंडर्ड टाइम, हाउएवर द रिलेक्शन अलाउंस इज एडेड। अलाउंस फॉर अनऑक्यूपाइड टाइम को इंटरफेरेंस हो गया कोई इस तरह के तो उनको इसमें ले देते हैं, क्योंकि वो बार बार फ्रिक्वेंटली नहीं होता, वो कभी कभी होता है, उन चीज़ों को हम बार बार ऐड नहीं करते इसमें। जो अलाउंस के जो डिफरेंट टाइप है जैसे मैंने पहले ही बताया कंटीजेंसी अलाउंस जो होता है, ये कंटीजेंसी अलाउंस जो है इट इज़ स्मॉल अलाउंस ऑफ टाइम विच मे बी इंक्लूडेड इन स्टैंडर्ड टाइम टू मीट लेजिमेट अन एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ वर्क और डिलेज जो होते हैं विच इज अन इकोनॉमिकल बिकॉज ऑफ देयर इनफ्रिक्वेंट इरेगुलर ऑकरेंस। ठीक है, तो इनके कारण जो ये कंटीजेंसी अलाउंस फॉर वर्क शुड इंक्लूड फटीग अलाउंस वेरियस अलाउंस फॉर डिले शुड बी डिपेंडेंट अपॉन द वर्कर। टिपिकली कंटीजेंसी अलाउंस आर वेरी स्मॉल एंड आर जनरली एक्सप्रेस इन परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉजिटिव मिनट्स। तो ये जनरली इसको 5% के से ज़्यादा जनरली नहीं दिया जाता है कंटिन्यूसली। इस तरह से रिलैक्सेशन अलाउंस इज एडिशन टू बेसिक टाइम इंटेंडेड टू प्रोवाइड वर्कर विद द अपॉर्चुनिटी टू रिकवर फ्रॉम साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। जब वर्कर काम करता है तो उसको साइकोलॉजिकल थकान भी होती है, फिजिकल थकान भी होती है, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम उसको देते हैं। द अमाउंट ऑफ अलाउंस इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ जॉब, कि जॉब कितना डिफिकल्टी जॉब है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। वन ऑफ द मेजर एडिशन ऑफ द इज टू द बेसिक टाइम, ये बेसिक टाइम में ऐड करते हैं और रिलैक्सेशन अलाउंस इस तरह से निकालते हैं, और रिलैक्सेशन अलाउंस जनरली 12-20% दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन वर्क किस तरह का वर्क उस पर है। फिर अदर अलाउंसेस और भी हैं जो है स्टार्टअप और शटडाउन अलाउंस,
मशीन को स्टार्ट किया, शट डाउन किया, वो टाइमिंग अलग है, क्लीनिंग अलाउंस होता है, टूलिंग अलाउंस अलग से लगता है, सेटअप एंड चेंज ओवर अलाउंस, रिजेक्ट और एक्सेस प्रोडक्शन, लर्निंग ट्रेनिंग अलाउंस, इस तरह के जो अलाउंस है, जब लर्निंग पेस पर होगा तो वो स्लो होता है तो उस चीज़ में अलग है। पॉलिसी अलाउंस इज एन इंक्रीमेंट अदर देन द बोनस इंक्रीमेंट अप्लाइड टू स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ अर्निंग फॉर सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ये जैसे कोई पॉलिसीज ये कंपनी अपने डिसाइड करती है उसके बेस पे कि उनको कोई वेज इंसेंटिव ताकि मिले, तो उस तरह की जो पॉलिसीज है वो अलाउंस इसमें ऐड किए जाते हैं। और इसके बाद हम क्या स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं, तो स्टैंडर्ड टाइम जो बेसिकली होता है वो होता है आपका ऑब्जर्व टाइम, ऑब्जर्व टाइम जो होता है ऑब्जर्व टाइम प्लस रेटिंग फैक्टर। तो रेटिंग फैक्टर से उसमें ऐड कर देंगे वो प्लस या माइनस जो भी आएगा, तो उससे हमारे पास आ जाएगा बेसिक टाइम। और बेसिक टाइम के बाद हम उसमें रिलैक्सेशन अलाउंस, वर्क रिलेटेड टू कंटीजेंसी अलाउंस, डिले रिलेटेड टू कंटीजेंसी अलाउंस, ये सारी चीज़ें ऐड करके हमारे को स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं। तो इस तरह से हम टाइम स्टडी से मेजरमेंट लेते हैं। ये इसकी एक टेबल दी हुई है कि टाइम स्टडी से टेबल में ये आपका ऑब्जर्व टाइम है यहाँ से यहाँ तक, फिर इसमें रेटिंग फैक्टर जोड़ देते हैं हम कि रेटिंग है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कि कितना रेटिंग फैक्टर है, उसके बाद उसमें रिलैक्सेशन अलाउंस और कंटीजेंसी अलाउंस ये सारे जोड़ के और ये टोटल हमारा ये स्टैंडर्ड टाइम हो जाता है। तो ये बेसिक टाइम हो गया, ये ऑब्जर्व टाइम हो गया, ये यहाँ से तक बेसिक टाइम हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये वर्क कंटेंट हो गया जिसमें कंटीजेंसी को नहीं जोड़ा। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक तरह से स्टॉपवॉच मेथड से हम टाइम स्टडी को जो निकालते हैं ये तरीका है। इसके और भी तरीके हैं हमारे स्टैंडर्ड टाइम स्टडी के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।